दोस्तों, क्या आपने कभी एग्जाम्स में चीटिंग किया है या फिर एग्जाम्स हॉल्स में अपने दोस्तों से क्वेश्चंस के आंसर तो पूछे ही होंगे, और यह भी हो सकता है कि आप में से कुछ ने कभी चीटिंग ही ना किया हो। लेकिन दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल एथलीट्स होकर भी चीटिंग करने से बाज नहीं आते, और किस्मत उस वक्त पलट जाती है जब चीटिंग से जीते हुए मेडल्स उनसे छीन लिए जाते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज इस वीडियो में आप ऐसे ही फेमस एथलीट्स को देखेंगे जिन्होंने ओलंपिक्स में चीटिंग करके मेडल्स जीते। साल 2012 लंदन ओलंपिक के दौरान जानबूझकर हारना बहुत से टीम के लिए जीत की रणनीति बन गई थी। 2012 ओलंपिक के बैडमिंटन मैच में राउंड रोबिन सिस्टम को यूज किया गया, यानी कि सभी पार्टिसिपेटेड टीम का एक दूसरे से मैच होना तय रहता था, और इस सिस्टम से पिछले खेले गए मैच से तय होता था कि अगला मैच कौन सी टीम किस टीम से मैच खेलेगी। इस तरह से सोची समझी रणनीति से कुछ टीम जानबूझकर हार जाते थे ताकि उनका मुकाबला नॉकआउट स्टेज में किसी कमजोर टीम से हो और इस तरह वह आसानी से मैच जीत जाए। चाइनीज प्लेयर योंग शिओली और युंग हैंग ने वेमेन डबल टूर्नामेंट में रणनीति का फायदा उठाने की कोशिश की, और सामने वाले टीम भी इसी रणनीति पर काम कर रहे थे। जब जोंग क्यून यून और किम हाना चाइनीज टीम के सामने उतरे तो ऐसा बोरिंग मैच देखने को मिला कि देखने वाले भी बोर हो गए। दोनों टीम का खेल देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम हारने के लिए ही खेल रहे हो। मैच का असल मकसद तब सबको समझ में आया जब एक और मैच में दूसरी कोरियन और इंडोनेशियन टीम भी ठीक इसी तरह खेल रही थी। इन चारों टीम का मकसद साफ दिखाई दे रहा था और इन पर मैच के साथ छेड़छाड़ी करने का आरोप लगा, और इसके बाद सजा के तौर पर बाकी के मैच से डिस्क्वालिफाई कर दिए गए। डोरा रेडजन। साल 1936 बर्लिन गेम में जर्मन हाई जंपर डोरा रेडजन लेडीज हाई जंप में फोर्थ प्लेस हासिल किया, और इस रिकॉर्ड से उन्होंने यूरोपियन एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वुमेन वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जंप करने वाली महिला बन गई। गोल्ड मेडल जीतकर वुमेन स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊंचा जंप करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जजेस को लगा कि डोरा रेडजन बाकी पार्टिसिपेंट के मुकाबले अलग है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस के बाद जब रिपोर्ट सामने आया तो सब सुनकर हैरान रह गए। असल में डोरा एक औरत नहीं, एक मर्द थी। डोरा के जन्म के समय उनका जेनिटल स्मॉल होने की वजह से उनके पेरेंट्स ने उनको लड़की के जैसे ही बड़ा किया, और जब वे बड़े हुए तो उनको लगा कि वो औरों के मुकाबले अलग हैं। फिर भी उन्होंने राज को राज ही रहने दिया। ऐसे ही डोरा ने स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना करियर बनाया। इस तरह उन्होंने सभी स्पोर्ट्स में ऐसे वुमेन ही पार्टिसिपेट किया। डोरा को इस चीटिंग के लिए अरेस्ट भी किया गया, लेकिन गेम के ऑफिशियल्स ने डोरा के ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस को हटा दिया और डोरा को उनके नाम चेंज करने को कहा गया, और वार्निंग भी दी गई कि कभी अब से वो वुमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इस तरह उनके जीते हुए गोल्ड मेडल भी उनसे वापस ले लिए गए और उनके बनाए गए रिकॉर्ड्स को भी हटा दिया गया। अब अगले जो एथलीट्स हैं उनके कारनामे जरा हटके हैं। बेन जॉनसन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम बेन जॉनसन है और मेरे बनाए हुए रिकॉर्ड अगले 50 साल या 100 साल तक बरकरार रहेंगे। यह स्पीच है कनाडियन स्प्रिंटर बेन जॉनसन की, जब उन्होंने साल 1988 सियोल गेम में 100 मीटर की रेस जीतकर गोल्ड मेडल को अपने नाम किया था और उस दौर के सारे रिकॉर्ड्स को भी उन्होंने तोड़ दिया था। बेन जॉनसन पहले भी साल 1984 लॉस एंजलस गेम में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, जीत गलत तरीके से हासिल करोगे तो वही जीत आपके लिए शर्मिंदगी का कारण भी हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ बेन जॉनसन के साथ भी। उनके बनाए गए रिकॉर्ड्स 48 घंटे में ही दम तोड़ दिया जब बेन जॉनसन का यूरिन टेस्ट एस्टेरॉयड पॉजिटिव पाया गया, और साथ में 3 पार्टिसिपेंट के यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव पाए गए। इसलिए 100 मीटर रेस को उस साल की डर्टीएस्ट रेस भी कहा गया। इसके बाद तो जॉनसन के बोल भी हवा में उड़ते हुए गुब्बारे के जैसे फुस हो गई और उनका मेडल उनसे छीन लिए गए। लेकिन ये महाशय इसके बाद भी बाज नहीं आए, और साल 1993 में उनका यूरिन टेस्ट फिर से एस्टेरॉयड पॉजिटिव पाया गया तो उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया।
मेल एथलीट्स अगर चीटिंग करने में आगे हैं तो वहीं फीमेल एथलीट्स भी इस खेल में पीछे नहीं है। दोस्तों, आप में से कुछ ने मैराथन में पार्टिसिपेट तो किया होगा, लेकिन इस खेल में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चीटिंग करके जीतने की कोशिश करते हैं। रोजी रोज। साल 1980 में बोस्टन मैराथन दौड़ जीतने के बाद रोजी रातों रात मशहूर हो गई। सबसे कम टाइम में रिकॉर्ड बनाने वाली इस महिला एथलीट्स को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अगर जीत चीटिंग करके हासिल की हो तो फिर बुरा वक्त आने में देर नहीं लगता। 65 डिग्री टेम्परेचर में 26 माइल की दूरी तय करने के बाद भी उनके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिखाई दी। यही वो बात थी जो सबके गले में जाकर अटक गई। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद भी चेहरे पर जरा भी थकान ना हो? क्या उन्होंने कोई एस्ट्रॉयड ले रखा था या फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल था? कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि उस दिन रोजी रेस के दौरान कुछ लोगों ने उनको मेट्रो की सवारी करते हुए भी देखा था और फिनिश लाइन से 2 किलोमीटर पहले ही रेस ज्वाइन किया था। रोजी ने अपनी बचाव में बहुत सारी कहानियां बनाई, लेकिन उनके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि उनके मेडल हाथ से निकल गए। हेनेकेन चैंपियनशिप कप के दौरान जब इंग्लिश हार्ले केविंस और आयरिश लैनिस्टर के बीच मैच हो रहा था, तो तभी आखिरी लम्हे में हार्ले केविंस के टॉम विलियम्स को अचानक से मैच के रेफरी मैदान से बाहर ले जा रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से खून निकल रहा था और इसी वजह से उनको बाकी के बचे मैच में खेलने से रोक दिया गया था और उनके जगह पर सब्स्टिट्यूट के लिए एक ही ऑप्शन था, निक इवांस। लेकिन वह कुछ देर पहले ही इस मैच में चोटिल होकर मैदान से बाहर हुए थे। नॉर्मली एक मैच में एक खिलाड़ी चोटिल होकर एक से ज़्यादा बार अंदर या बाहर नहीं हो सकता, लेकिन ब्लड इंजरी के केस देखकर उन्हें मैच में वापस बुला लिया गया। और किस्मत तो देखिए, इस सिचुएशन में टीम को मैच जीतने के लिए निक जैसे ही प्लेयर्स की जरूरत थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर किस्मत ही खराब हो तो जुगाड़ भी काम नहीं आता। मैदान से बाहर जाते हुए विलियम अपने साथियों को आंख मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। और क्या ये पॉसिबल है कि मुंह पर चोट खाने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए? तो दोस्तों, दाल में कुछ तो काला था। हालांकि यूरोपियन रग्बी कप के दौरान कई खिलाड़ी के अदला बदली होने की वजह से मैच की जांच के लिए आदेश दी गई। जांच के बाद मालूम हुआ कि टीम के फिजियोथेरेपिस्ट टॉम को ब्लड के नकली कैप्सूल दिया गया था, जिसको मुंह में रख लेने से ऐसा लगता है जैसे मानो सच में मुंह से खून निकल रहा हो। इस साजिश के पीछे टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव डीन रिचर्ड्स का भी हाथ था। टॉम डीन और फिजियोथेरेपिस्ट को रग्बी मैच से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। हार्ले केविंस टीम पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और हालांकि इतने जुगाड़ करने के बाद भी हार्ले केविंस मैच वो हार गई। टोनिया हार्डिंग। सन 1994 में रिंग में हुए ड्रामे की वजह से स्केटिंग की दुनिया मानो सर्कस में बदल गई हो। जब यूएसए फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए मैच से एक दिन पहले उस वक्त की चैंपियन नैन्सी कैरिगन मिशिगन के कोबो एरिगेना में स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही थी, और तभी ऐसा हुआ कि किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो, मैच के दौरान एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया और वह जमीन पर गिरकर दर्द से रोने लगी। नैन्सी को काफी गहरी चोट आई जिससे वो मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। उनकी जगह टोनिया हार्डिंग ने पहला स्थान हासिल किया और दोनों को उस साल के विंटर स्केटिंग के ओलंपिक टीम के लिए चुन लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद चला कि किसी ने नैन्सी पर हमला करने के लिए पैसे दिए थे। मामला जब सामने आया तो मालूम हुआ कि टोनिया हार्डिंग, जेफ गुलूली और उनके पुराने बॉडीगार्ड शॉन एकार्ट को इस कांड के लिए दोषी पाया गया। दोनों ने मिलकर नैन्सी पर हमला करवाया था ताकि आने वाले मुकाबले में टोनिया हार्डिंग की जीत पक्की हो सके, लेकिन टोनिया का कहना था कि वह इस कांड में शामिल नहीं थी। लेकिन बाद में टोनिया ने बताया कि उनके एक्स हस्बैंड के करतूतों के बारे में उन्हें पहले से ही पता था। जब टोनिया ने विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो उन पर कार्रवाई करते हुए उनसे खिताब वापस ले लिया गया और इस मैच में टोनिया 8 पोजीशन पर रही और वहीं नैन्सी कैरिगन दूसरे स्थान पाकर सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हो गई। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी वरनी। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।